फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 7 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है और इसमें हम कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या है? जनरेशन का मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को उस कंप्यूटर का जनरेशन कहा गया। यहाँ पर आपको समझना है जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप की गई वैसे वैसे कंप्यूटर के नए नए जनरेशन नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किए गए, अलग अलग फॉर्म्स कंप्यूटर के आने लगे, उसी को जनरेशन के नाम से जाना गया। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर जनरेशन क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री का जैसे जैसे ग्रोथ हुआ वैसे वैसे कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता गया। जनरली कंप्यूटर जनरेशन को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो एक एक जनरेशन को हम एक क्रम में पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर इकर्ट और मॉचली डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन यॉर्क इन 1946 इन द यूएसए। यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक जो डेवलप किया गया था इकर्ट और मॉचली के द्वारा 1946 ईस्वी में, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। इसमें जो कोर एलिमेंट है, कोर एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसको यूज किया गया था? पंच्ड कार्ड और पेपर टेप को यूज किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कोर एलिमेंट क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है किसी भी जनरेशन के कंप्यूटर का। तो यहाँ पर इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कुछ क्वालिटी है। यहाँ पर हम देखेंगे हैव लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड थी और इसमें स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी इनपुट और आउटपुट का जो ऑपरेशन या जो भी प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उसको एक जगह पर फिक्स करके रखा जाता था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता था, इसलिए ये जो है पोर्टेबल नहीं होता था। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस जनरेशन के कंप्यूटर बड़ी मात्रा में बिजली को यूज करते थे। मशीन कोड यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन कोड यूज किया जाता था किसके लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। हर एक जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है अलग अलग, तो इसमें मशीन कोड यूज किया गया था। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन आप कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल ये है, इनियाक और एडवेक है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दो एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हैं। उसके बाद दो एग्जाम्पल और हैं, इट्सैक है और योनीवेक है। इट्सैक में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहते हैं इसे, और योनीवेक में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो ये चार एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर देखते हैं कि कोर एलिमेंट, इसमें कोर एलिमेंट क्या होता है? तो इसमें कोर एलिमेंट होता है ट्रांजिस्टर। यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट है वो ट्रांजिस्टर होता है, और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसको यूज किया जाता है? टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क को। टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। हाई लेवल प्रोसीडरल लैंग्वेज, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या यूज किया जाता है इसमें? फोरट्रैन एंड कोबल वेव, ये सब क्या है? लैंग्वेज है जो इस कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का करेक्टर्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। सेकेंड
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है और ये स्मॉलर होते हैं, रिलेबल होते हैं और फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज काम करते हैं। इसमें मैग्नेटिक कोर यूज किया जाता है, किसके लिए? प्राइमरी स्टोरेज के लिए। प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाएगा? मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें IBM 700 है, एटलस है और TCL 1900 है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स को कॉरपोरेशन होता है। ये जो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है, एटलस है। एटलस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड होता है और TCL 1901 है। तो ये तीन एग्जांपल्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाद द कोर एलिमेंट। यहाँ पर देखिए हर एक जनरेशन के कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट है वो अलग अलग होता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स है कोर एलिमेंट के रूप में और इसमें मैग्नेटिक डिस्क यूज किया जाता है, किसके लिए? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। और डेवलपमेंट यानी इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी डेवलपमेंट हुआ। और इस जनरेशन में स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उससे स्मॉल साइज के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होता है इसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल होता है जिसमें फोरट्रैन सेकेंड टू फोर्थ है, कोबॉल है, पास्कल PL फर्स्ट है, एल्गल 68 है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो इस कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है IBM 360, NCR 395, TDC 316। ये तीनों प्रकार का जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है इसको डेवलप किया गया था जैक केल्बी के द्वारा। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको देखना है कि कोर एलिमेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो है कोर एलिमेंट के रूप में इस कंप्यूटर में यूज किया जाता है। सेमी कंडक्टर वेयर यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो सेमी कंडक्टर होता है उसको प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर ORR PC, यानी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ अथवा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका डेवलपमेंट हुआ। माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी। यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज किया गया उसमें क्या है? सी है, C++ है एंड DBMS है, यानी डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। यूज्ड इन दिस जनरेशन, यानी इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया वो C++ है, DBMS है, ये सब लैंग्वेज यूज किया गया। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजर्स विथ यूजर फ्रेंडली, यानी इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया वो यूजर के लिए क्या था? यूजर फ्रेंडली था। एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पर दो एग्जांपल है, DC-10 है और Star-1000 है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम क्या देखते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द कोर एलिमेंट। यहाँ पर जो कोर एलिमेंट है इस जनरेशन के कंप्यूटर में वो क्या है? ULSI है। इसमें रैम और रोम इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, यानी फिफ्थ जनरेशन आज का जो जनरेशन चल रहा है जिसमें कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आज के समय में जो भी नए कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं और उस कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में रैम और रोम यूज किया जाता है। उसके बाद ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, नेट है, etc।
ये सभी लैंग्वेज जो है इस कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये सब फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आज के समय में हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप ये सब मिलता है, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं।